फ्रैक्टाइल्स, फ्रैक्टाइल्स ये वो चीजें होती हैं जो डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जो फ्रैक्टाइल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है जी जिसे हम कहते हैं मीडियन, जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना जाता है, और इतना ज्यादा जाना पहचाना जाता है कि हमें लगता है कि मीन के बाद दूसरी चीज हम मीडियन पढ़ने वाला है। ये हमारे डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये क्या करता है, ये आपको कहता है कि जनाब डाटा को एक स्केल पे लिखें, उस स्केल में सबसे शुरू में मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और सबसे एंड पे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और इसको दरमियान से एक कट लगाएंगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस कट से नीचे 50% ऑफ वैल्यूज हैं। 50% ऑफ वैल्यूज का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 7 वैल्यूज हैं तो इस 7 से नीचे जो है वो 3 है, मतलब ये इस 4 से नीचे 3 है और 4 से ऊपर 3 है। ठीक है जी, तो ये जो आपका जो मीडियन होता है ये आपको बताएगा कि जनाब किस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो आपकी प्लान हुई है। अब देखें, फर्ज करें कि मिनिमम वैल्यू है 4, फिर आता है जी 5, फिर आता है जी 6, फिर आता है जी 7, फिर आता है जी 8, फिर आता है जी 9, फिर आता है जी 10 और 11। तो ये आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, अच्छा नहीं मैंने एक ज्यादा लिख दी इधर, तो 8 9 और 10। ठीक है जी, ये कितनी ऑब्जर्वेशन होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इज द वैल्यू जिससे नीचे 3 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और ऊपर भी 3 नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये मीडियन है 7, क्योंकि ये डाटा के बिल्कुल मिड में फॉल कर रहा है। ठीक है जी, और ये डाटा के मिड में क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि ये 4 हो, ये 5 हो, ये 6 हो, ये 7 हो, ये 800, ये 900 और ये 1000 हो, फिर भी 7 ही मीडियन आएगा। लेकिन अगर हम इन वैल्यूज का एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है कि एवरेज तो जो है ना ये काफी सारी इसके पास पास जो है ना वो 400-500 के पास पास जाने वाली है। ठीक है, तो जनाब वो एवरेजेस जो पोजीशन बेस्ड होती हैं उनको हम लोग फ्रैक्टाइल्स कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा सेंटर में जो वैल्यू फॉल कर रही होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। इसी तरीके से अगर एक डाटा इस तरीके से है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है, हमने फ्रैक्टाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है हमेशा वो ये होगा कि हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो उसको सॉर्ट करना है। ठीक है जी, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में जब हम सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास उसके तमाम जो है ना वो एवरेजेस आएंगे। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं जी फ्रैक्टाइल्स की, पोजिशनल एवरेजेस की, जो कि हमारे डाटा की वैल्यू की बजाय पोजीशन पे बेस्ड आ रही होती हैं। और वो पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम वैल्यूज को तमाम एक फट्टे पे लिख देते हैं और उस फट्टे को जब हम सेंटर से काटते हैं तो जो वैल्यू उधर उस जगह पे लिखी होती है जहां से हमने उसको कट लगाया है हम कहते हैं कि वो मीडियन होती है। इसी तरीके से अगर हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो है ना ये क्वार्टाइल्स बन जाएंगे। वो क्वार्टाइल, इसको भी क्वार्टाइल कहेंगे, इसको भी क्वार्टाइल कहेंगे और इसको भी क्वार्टाइल कहेंगे। तो जो क्वार्टाइल जो है वो डाटा को जो है ना वो सबसे पहले 25% के पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखें, इसमें भी 25% वैल्यूज होंगी, इसमें भी 25%, इसमें भी 25% और इसमें भी 25%। तो इस तरह का जो क्वार्टाइल होता है इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, इसको हम सेकेंड क्वार्टाइल कहते हैं, इसको थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं। ये मिनिमम वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है। और जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है इसे हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं और थर्ड क्वार्टाइल को फिर अपर क्वार्टाइल कहेंगे। और मजे की बात यह है कि जो सेकेंड क्वार्टाइल है ये बिल्कुल उसी जगह पे होता है जहां पे मीडियन होता है। तो हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि जो मीडियन होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेंड क्वार्टाइल के इक्वल होता है। मीडियन इज इक्वल टू सेकेंड क्वार्टाइल। एक डेटा सेट के अंदर से जब मीडियन निकालेंगे तो वही सेकेंड क्वार्टाइल होगा। सिमिलरली अगर हम डाटा को 4 की बजाय 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट एक डिसाइल कहलाएगा। हर पार्ट की जो पोजीशन है जब वो उसको पार्ट कर रहे हैं तो 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक डिसाइल कहलाएगा। और अगर हम डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर डिवाइडर जो है, ये जो डिवाइड कर रहा है डाटा को 2 पार्ट्स में, इसको हम क्वार्टाइल कहेंगे, राइट, सॉरी इसको हम परसेंटाइल कहेंगे। तो डाटा सेट जैसा मर्जी हो,
ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो, जो डाटा की जो जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी है, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है जी। आप फर्स्ट करें फाइंड आउट करना चाहते हैं जी क्वार्टाइल, तो आप अपने जहन में सोचें कि क्वार्टाइल्स कितने होते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बनाया ना क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको कट कितने लगाने पड़ते हैं, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे दो चीजें देखनी है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने कौन सा जो है ना वो फ्रैक्टाइल फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। मतलब कौन सी जो है ना वो क्लास फाइंड करनी है, मीडियन फाइंड करना है, क्वार्टाइल फाइंड करना है, डिसाइल फाइंड करना है या परसेंटाइल फाइंड करना है, और उसके बाद आपने अपने आप से ये पूछना है कि आपने कौन सा क्वार्टाइल या डिसाइल फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 में डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने जो है ना वो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है जो फ्रैक्टाइल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इसकी पोजीशन कहाँ पे है, और जब आप उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे फिर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू ऑन दैट पोजीशन क्या है, और ये दोनों के लिए सेम होगा, सिंपल इंटर ये सॉरी ये ग्रुप डेटा के केस में भी सेम होगा और अन ग्रुप डेटा के सेम में भी केस में भी सेम होगा, ठीक है जी। बहरहाल हमने बात की कि जब हम लोग क्वार्टाइल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं थर्ड क्वार्टाइल, तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है। पोजीशन इज आई इंटू n+1 ओवर डी। अच्छा, डी क्या होता है? डी होता है कि डाटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है जी। और क्वार्टाइल के केस में डाटा कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 में। अगर हम लोग डिसाइल फाइंड कर रहे होंगे तो डी कितना होगा, 10। अगर हम परसेंटाइल फाइंड कर रहे होंगे तो डी कितना होगा, 100। और अगर हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे होंगे तो डी कितना होगा जी, अगर हम मीडियन फाइंड कर रहे होंगे तो डी होगा 2। तो ये आपने इस तरीके से डी लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे एन जो है ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि आपके पास कितनी है, और जो आई है दैट इज के आप कौन सा वाला फ्रैक्टाइल फाइंड आउट कर रहे हो। तो अगर थर्ड क्वार्टाइल है तो यहां से क्यू से निकलेगा डी इज इक्वल टू 4, और 3 का मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू 3। अगर आप लोग 45th डिसाइल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, 45th डिसाइल, तो इसका मतलब ये है कि आपके इस फॉर्मूले के अंदर एन जो है वो भी जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो तो होंगी, आई जो होगा वो 45 होगा, और जो डी होगा जो स्मॉल डी फार्मूला में डिनोमिनेटर में जो आ रहा है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 10। 45th डिसाइल तो होता नहीं है, 45th परसेंटाइल होगा, पूरे भी क्या हो गया। अच्छा जी, 45th परसेंटाइल अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग बात करेंगे कि एन तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है वो होंगी, और आई जो होगा वो 45 होगा, और जो डी होगा वो इस केस में 100 होगा, क्योंकि डी कहाँ से निकलता है, वो निकलता है कि आपने कौन सी पोजिशन एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो दिस विल बी आवर स्टेप नंबर 2, और ये ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए। अब जो अगला काम है, जब आपके पास एक पोजीशन आ गई तो आपने उस पोजीशन से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ग्रुप और अनग्रुप दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप में भी देखेंगे, सॉरी अनग्रुप डाटा में भी देखेंगे, और ग्रुप डाटा में ये वाली वैल्यूज जो है इनको देख कर रखकर बात करेंगे, ठीक है। ठीक है जनाब, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आंसर आ रहा है जी 4.5 पोजिशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि 4th पोजिशन प्लस 0.5 ऑफ नेक्स्ट पोजीशन, यानी कि 5th पोजीशन माइनस 4th पोजीशन, ठीक है ना जी। अब देखिए, आपको अगर कहा जाए 4.5 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 4 किलोमीटर तो आप पूरे चले, और उसके बाद अगले 1 किलोमीटर का भी आपने हाफ चल लिया। तो 4.5 का मतलब यह है कि 4 पूरा। तो आप देखेंगे 4th पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो, और उसके बाद 5th और 4th पोजीशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। सिमिलरली इफ यू हैव 4.95, जो कि वैसे तो नहीं आएगा लेकिन चले हम फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कर लेते हैं, तो 4th पोजीशन प्लस 0.95 ऑफ 5th माइनस 4th पोजीशन, राइट। तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेटा जो है वो ग्रुप डेटा है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है L+H/F (IN/D-C). अच्छा जी, यहाँ पे जो चीजें हैं समझने वाली वो ये है कि L जो है ना वो लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक
किसकी, उस क्लास की जिस क्लास में ये पोजीशन वैल्यू अवेलेबल है। तो जो स्टेप नंबर 3 है ग्रुप डेटा के केस में, इसमें समझ लें कि दो आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। 3A इज यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड क्लास। सबसे पहले तो आपने वो रिक्वायर्ड क्लास फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर आपने ये एल प्लस एच ओवर एस इनटू आई एन ओवर डी माइनस सी लगा। अच्छा, आपने वो रिक्वायर्ड क्लास फाइंड आउट करनी। अच्छा जी, वो रिक्वायर्ड क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है? आपने देखना है कि जो आपकी पोजीशन आई है 4.5, ये कौन सी क्लास के लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में मौजूद है। ठीक है जी, तो जब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे दैट विल बी योर रिक्वायर्ड क्लास। और अगर आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में उसे हम मीडियन क्लास कहेंगे। इस क्लास के ऊपर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एल विच इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द रिक्वायर्ड क्लास, एच इज द हाइट ऑफ रिक्वायर्ड क्लास, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायर्ड क्लास, जो क्लास आपकी 3A से निकलेगी। उसके बाद आई, आई क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि आई जो होता है वो ये होता है कि आप कौन सा जो है ना वो ये फाइंड आउट कर रहे हैं फैक्टाइल। और उसके बाद एन इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर डी, एन इस केस में सॉल्यूशन एफ के इक्वल होगा माइनस सी। तो डी जो है वो क्या होगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, अगर आप थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं तो डी 4 होगा और आई 3 होगा। एन इज द नंबर ऑफ वैल्यूज सॉल्यूशन एफ की, जिसे हम कहते हैं, और सी इज द लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अबव द मीडियन क्लास, यानी कि उससे पीछे वाली क्लास जो है ना वो। ये फॉर्मूले आपने बहुत इजीली जो है ना वो याद कर लेने, आपको इन सारे फॉर्मूला की समझ भी आ जाएगी, इसकी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि एग्जामिनर कभी कभार आपसे पूछता है कि अच्छा बताएं जरा कि जी 4 डिसाइल और मीडियन में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मीडियन बड़ा होगा कि डिसाइल बड़ा, ये फोर्थ डिसाइल बड़ा होगा। तो अगर हम लोग फोर्थ डिसाइल की बात करें तो दिस इज एक्चुअली 40% ऑफ द डाटा, ये 48% ऑफ द डाटा पे जाके आपको मिल रहा होगा और मीडियन आपको हाफ वे टू द डाटा मिलता है। तो हम ये कहेंगे कि मीडियन जो है ना वो बड़ा होता है। अच्छा क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि नीचे छोटी वैल्यूज हैं और ऊपर बड़ी वैल्यूज है, तो हम लोग डाटा को क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो सॉर्ट कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से फोर्थ डिसाइल छोटा होगा और मीडियन बड़ा होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन देना इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से इसके अलावा और किसी और तरीके से सवाल एग्जामिनर नहीं बना के पूछता है।